द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर 1 द ट्रेजर हाउस विद यू परिचय जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला अध्याय द ट्रेजर हाउस विद इन यू हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति और संभावनाओं का परिचय कराता है मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है बशर्ते हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें अवचेतन मन का महत्व मर्फी इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक खज़ाना घर है जो अनगिनत शक्तियों और संभावनाओं से भरा हुआ है ये हमारी गहरी भावनाओं इच्छाओं और विश्वासों को संग्रहित करता है और इन्हें हमारी वास्तविकता में प्रकट करने में सक्षम है जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानते हैं और इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं अवचेतन मन के सिद्धांत मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और यह हमारे विचारों और विश्वासों का अनुसरण करता है अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और रचनात्मक विचार डालते हैं तो यह हमें सफलता खुशी और समृद्धि की ओर ले जाता है दूसरी ओर अगर हम नकारात्मक और हानिकारक विचारों से इसे भरते हैं तो यह हमें विफलता और दुख की ओर ले जा सकता है इसलिए हमारे विचार और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सकारात्मकता और विश्वास का महत्व मर्फी का मानना है कि हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक और आत्मविश्वासी विचारों से भरना चाहिए सकारात्मकता और विश्वास हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं और इसे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय करते हैं यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहें अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें मर्फी। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं सकारात्मक पुष्टि दिन में कई बार अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें जैसे मैं सफल हूं या मैं स्वस्थ हूं ध्यान और विजुअलाइजेशन अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीरें अपने मन में बनाएं और ध्यान करते समय इन्हें विजुलाइज करें ध्यानपूर्वक सोचें हर समय सकारात्मक और रचनात्मक सोचें नकारात्मक विचारों को दूर करें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें सकारात्मक बातचीत अपने दोस्तों और परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत करें और उनसे भी सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें सफलता की कहानियां मर्फी इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन की कहानियां साझा करते हैं जिनमें लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया है ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह साबित करती हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं निष्कर्ष द ट्रेजर हाउस विद इन यू अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति और संभावनाओं का वर्णन किया है उन्होंने समझाया है कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं मर्फी ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का भी वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर टू हाउ योर माइंड वर्क्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे अध्याय हाउ योर माइंड वर्क में यह बताया गया है कि हमारा मन कैसे काम करता है यह अध्याय अवचेतन और चेतन मन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और दोनों के कार्यों को समझने में मदद करता है चेतन और अवचेतन मन का विभाजन मर्फी इस अध्याय में हमारे मन को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन वह हिस्सा है जो तर्कसंगत सोचता है निर्णय लेता है और हमें रोजमर्रा की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है दूसरी ओर अवचेतन मन हमारी आदतों भावनाओं और स्वचालित प्रतिक्रियाओं का केंद्र है चेतन मन का कार्य चेतन मन जागरूकता और तर्क पर आधारित है यह विश्लेषण तुलना और निर्णय करने का कार्य करता है यह बाहरी दुनिया से जानकारी एकत्र करता है और उसे समझने के लिए तर्कसंगत सोच का उपयोग करता है चेतन मन के माध्यम से हम अपनी दैनिक समस्याओं का समाधान करते हैं और विभिन्न स्थितियों में सही निर्णय लेते हैं अवचेतन मन का कार्य अवचेतन मन स्वचालित और प्रतिक्रियात्मक होता है यह हमारी गहरी भावनाओं विश्वासों और आदतों का भंडार है अवचेतन मन हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को संग्रहित करता है और जब भी हमें आवश्यकता होती है यह उस जानकारी को पुनः प्राप्त करता है अवचेतन मन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमारे विचारों और विश्वासों का अनुसरण करता है और उन्हें हमारी वास्तविकता में प्रकट करने का प्रयास करता है अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति असीमित है यह हमारी इच्छाओं को पूरा करने और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए हमें अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और रचनात्मक रखना चाहिए अगर हम नकारात्मक विचारों और विश्वासों से अपने अवचेतन मन को भरते हैं तो यह हमें नकारात्मक परिणाम देता है चेतन और अवचेतन मन के बीच की बातचीत मर्फी बताते हैं कि हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक गहरी बातचीत होती है हमारे चेतन मन के विचार और निर्णय हमारे अवचेतन मन में जाते हैं और वहाँ संग्रहित हो जाते हैं यह संग्रहित जानकारी हमारे व्यवहार आदतों और जीवन के परिणामों को प्रभावित करती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने चेतन मन से सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भेजें अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें मर्फी इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें और इसे दिन में कई बार दोहराएं। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीरें बनाएं और ध्यान करते समय उन्हें विजुअलाइज करें ध्यान मेडिटेशन नियमित रूप से ध्यान करें और अपने मन को शांत और केंद्रित करें प्रेरक कथाएं इंस्पिरेशनल स्टोरीज प्रेरक कथाएं पढ़ें और सुनें। जो आपको सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे सफलता की कहानियां मर्फी इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन की कहानियां साझा करते हैं जिनमें लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया है ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह साबित करती हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं निष्कर्ष हाउ योर माइंड वर्क्स अध्याय में जोसेफ मर्फी ने चेतन और अवचेतन मन के बीच के अंतर और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है उन्होंने समझाया है कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं मर्फी ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का भी वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकान्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर थ्री द मिरिकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकान्शियस परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकाशियस माइंड के तीसरे अध्याय द मिरिकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस में यह बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती हैं यह मन किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और इसे सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं विश्वास और अवचेतन मन मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन की शक्ति का मुख्य स्रोत हमारा विश्वास है यदि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है विश्वास की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है मानसिक चित्रण मेंटल इमेजरी मर्फी ने इस अध्याय में मानसिक चित्रण की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है मानसिक चित्रण एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने मन में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं ये तकनीक हमारे अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें अपने मन में महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करता है आत्मसुझाव ऑटोसजेशन आत्मसुझाव एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है मर्फी बताते हैं कि आत्मसुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेज सकते हैं ये संदेश हमारे विश्वासों और विचारों को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं आत्मसुझाव की तकनीक में नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि एफर्मेश दोहराना शामिल है चमत्कारिक हीलिंग, मिराक्यूलस हीलिंग इस अध्याय में मर्फी कुछ अद्भुत हीलिंग कहानियों का उल्लेख करते हैं जो अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से संभव हुई हैं वे बताते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असाध्य बीमारियों से छुटकारा पाया है यह उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं और यह साबित करते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने शरीर और मन को चंगा कर सकते हैं अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें ध्यान मेडिटेशन ध्यान एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें अपने अवचेतन मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करती है नियमित ध्यान हमारे मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरता है सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव एफर्मेश सकारात्मक पुष्टि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजने में मदद करती है नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि दोहराने से हमारे विश्वास और विचार मजबूत होते हैं विजुअलाइजेशन 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 तकनीक में हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीरें अपने मन में बनाते हैं यह तकनीक हमारे अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं प्रेरक कथाएं इंस्पिरेशनल स्टोरीज प्रेरक कथाएँ और सफलता की कहानियां पढ़ना और सुनना हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरता है निष्कर्ष द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का वर्णन किया है उन्होंने समझाया है कि कैसे हमारे विश्वास और विचार हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करते हैं मर्फी ने मानसिक चित्रण आत्मसुझाव और ध्यान जैसी तकनीकों का भी वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर शोर मेंटल हीलिंग्स इन एंशियंट टाइम्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चौथे अध्याय मेंटल हीलिंग्स इन एंशियंट टाइम्स में यह बताया गया है कि प्राचीन काल में भी लोग मानसिक चिकित्सा मेंटल हीलिंग की शक्ति को जानते थे और इसका उपयोग करते थे यह अध्याय विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में मानसिक चिकित्सा के उदाहरणों पर प्रकाश डालता है और यह दर्शाता है कि मानसिक शक्तियों का उपयोग कोई नई खोज नहीं है बल्कि यह सदियों पुरानी प्रथा है प्राचीन सभ्यताओं में मानसिक चिकित्सा मर्फी बताते हैं कि प्राचीन काल में कई सभ्यताओं ने मानसिक चिकित्सा का उपयोग किया था वे मिस्र ग्रीस रोम और भारत की सभ्यताओं के उदाहरण देते हैं जहां मानसिक शक्तियों और अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता था मिस्र की सभ्यता मिस्र के प्राचीन पिरामिड और मंदिर मानसिक चिकित्सा के केंद्र थे प्राचीन मिस्र के पुरोहित और चिकित्सक मंत्रों और ध्यान का उपयोग करके लोगों को मानसिक और शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाते थे उनका मानना था कि विचारों और विश्वासों का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और सही मानसिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है ग्रीक और रोमन सभ्यता ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में भी मानसिक चिकित्सा की प्रथा विद्यमान थी हिप्पोक्रेट्स जिसे चिकित्सा का जनक माना जाता है ने भी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने की सलाह दी थी उनके अनुसार शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानसिक स्वास्थ्य का शरीर के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है प्राचीन ग्रीक मंदिरों में भी लोग ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त करते थे भारतीय सभ्यता भारत में योग और आयुर्वेद का प्राचीन काल से ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता रहा है योग में ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों का उपयोग मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है आयुर्वेद में भी मन और शरीर के संतुलन पर जोर दिया गया है और मानसिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्थान है मानसिक चिकित्सा के सिद्धांत मर्फी इस अध्याय में मानसिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालते हैं विश्वास की शक्ति प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास की शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था लोग मानते थे कि यदि वे अपने मन में विश्वास करते हैं कि वे स्वस्थ हो सकते हैं तो उनका अवचेतन मन उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है यह विश्वास मानसिक चिकित्सा का मूल आधार है प्रार्थना और ध्यान प्राचीन काल में प्रार्थना और ध्यान का उपयोग मानसिक चिकित्सा के लिए किया जाता था प्रार्थना के माध्यम से लोग अपनी इच्छाओं और समस्याओं को अवचेतन मन तक पहुंचाते थे और ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को शांत और केंद्रित रखते थे मंत्रों और ध्वनियों का उपयोग प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में मंत्रों और ध्वनियों का उपयोग भी किया जाता था मंत्रों को दोहराने से मानसिक शक्ति को बढ़ावा मिलता था और ध्वनियों का उपयोग शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता था निष्कर्ष मेंटल हीलिंग्स इन एंशियंट टाइम्स अध्याय में जोसेफ मर्फी ने प्राचीन काल में मानसिक चिकित्सा की प्रथाओं और सिद्धांतों का वर्णन किया है उन्होंने यह बताया है कि प्राचीन सभ्यताएं भी मानसिक शक्तियों की महत्ता को समझती थीं और इसका उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए करती थीं यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक चिकित्सा कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि यह सदियों पुरानी प्रथा है जिसे आधुनिक विज्ञान ने भी मान्यता दी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर फाइव मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पांचवें अध्याय मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स में बताया गया है कि मानसिक चिकित्सा की शक्ति प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं है बल्कि आधुनिक समय में भी इसका व्यापक उपयोग और मान्यता है यह अध्याय आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा के उदाहरणों और तरीकों पर प्रकाश डालता है आधुनिक मानसिक चिकित्सा के उदाहरण मर्फी इस अध्याय में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा का कैसे उपयोग किया गया है और यह किस प्रकार प्रभावी साबित हुई है लुई पेस्टियर लुई पेस्टियर जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ने अपने अनुसंधानों के माध्यम से दिखाया कि हमारे विचार और मानसिकता का हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है उन्होंने कहा था कि मानसिक शक्ति और विश्वास शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं डॉ इलेक्सिस कैरेल नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ एलेक्स कैरल ने भी मानसिक चिकित्सा की महत्ता को स्वीकार किया था उन्होंने कहा था कि प्रार्थना और विश्वास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है उनके अनुसार प्रार्थना एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है टॉ तो जोसेफ मर्फी के व्यक्तिगत अनुभव मर्फी ने अपने निजी अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने विचारों और अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी और दूसरों की बीमारियों को ठीक किया उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनकी पुस्तक के पाठकों ने उनके सिद्धांतों का उपयोग करके अपने जीवन में अद्भुत बदलाव लाए मानसिक चिकित्सा के आधुनिक सिद्धांत मर्फी आधुनिक मानसिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी घटना है जहां व्यक्ति को दी गई दवा वास्तव में निष्क्रिय होती है लेकिन उसका विश्वास और अपेक्षा उसे ठीक कर देती है यह दिखाता है कि विश्वास और मानसिकता का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है विजुअलाइजेशन तकनीक विजुअलाइजेशन या कल्पना तकनीक का उपयोग करके व्यक्ति अपने अवचेतन मन को निर्देशित कर सकता है इस तकनीक में व्यक्ति अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करता है और उसे वास्तविकता के रूप में देखता है इससे अवचेतन मन में वह स्थिति वास्तविकता में बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है सकारात्मक पुष्टि एफर्मेश सकारात्मक पुष्टि एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग मानसिक चिकित्सा के लिए किया जाता है इसमें व्यक्ति सकारात्मक वक्तव्यों को बार बार दोहराता है ताकि वे अवचेतन मन में गहराई तक स्थापित हो जाएं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें मानसिक चिकित्सा के लाभ मर्फी बताते हैं कि मानसिक चिकित्सा के अनेक लाभ हैं मानसिक शांति और संतुलन मानसिक चिकित्सा व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है जिससे तनाव और चिंता कम होती है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार मानसिक चिकित्सा से व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारता है इसका कारण यह है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े होते हैं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन मानसिक चिकित्सा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ता है निष्कर्ष मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स अध्याय में जोसेफ मर्फी ने आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा की प्रथाओं और सिद्धांतों का वर्णन किया है उन्होंने यह बताया है कि कैसे आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा भी मानसिक शक्तियों और अवचेतन मन की महत्ता को स्वीकार करती है यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक चिकित्सा एक प्रभावी और शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अपने जीवन में सुधार और स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर सिक्स प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के छठे अध्याय प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स में मानसिक चिकित्सा के व्यावहारिक तकनीकों पर चर्चा की गई है इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि कैसे हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं मानसिक चिकित्सा के व्यावहारिक तकनीकें मर्फी मानसिक चिकित्सा की कई व्यावहारिक तकनीकों का वर्णन करते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं अभिपुष्टि एफर्मेशंस क्या है अभिपुष्टि सकारात्मक वक्तव्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराकर अवचेतन मन में स्थापित किया जाता है कैसे करें हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले सकारात्मक वक्तव्यों को दोहराएं जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है मुझे सुख शांति प्राप्त हो रही है लाभ इससे अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास उत्पन्न होते हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं विजुअलाइजेशन विजुलाइजेशन क्या है विजुअलाइजेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छित स्थिति की स्पष्ट और सजीव कल्पना करता है कैसे करें शांत और आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छित स्थिति की सजीव कल्पना करें जैसे अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हुए देखें लाभ इससे अवचेतन मन में सकारात्मक छवियों का निर्माण होता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है प्रार्थना और ध्यान प्रेयर एंड मेडिटेशन क्या है प्रार्थना और ध्यान आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करने के साधन है कैसे करें हर दिन कुछ समय निकालकर प्रार्थना करें और ध्यान करें प्रार्थना में अपने स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें ध्यान में अपने मन को शांति और संतुलन में लाने का प्रयास करें लाभ इससे मानसिक शांति मिलती है तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है संगीत चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी क्या है संगीत चिकित्सा में संगीत का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता है कैसे करें अपने पसंदीदा संगीत को सुनें जो आपको शांति और खुशी प्रदान करता है शांति और सुकून देने वाले संगीत को सुनकर ध्यान करें लाभ संगीत तनाव को कम करता है मानसिक शांति प्रदान करता है और स्वास्थ्य में सुधार लाता है आध्यात्मिक उपचार स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है आध्यात्मिक उपचार में विश्वास और आत्मा की शक्ति का उपयोग किया जाता है कैसे करें अपने विश्वास और आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें सकारात्मक विचारों और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा की शक्ति का अनुभव करें लाभ इससे आत्मिक शांति मिलती है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है मानसिक चिकित्सा के लाभ मर्फी बताते हैं कि मानसिक चिकित्सा की इन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं मानसिक शांति ये तकनीकें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं जिससे तनाव और चिंता कम होती है शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक चिकित्सा से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है सकारात्मक विचार और विश्वास हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मानसिक चिकित्सा से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है जिससे जीवन में सफलता और खुशहाली मिलती है निष्कर्ष प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स अध्याय में जोसेफ मर्फी ने विभिन्न व्यावहारिक तकनीकों का वर्णन किया है जिनका उपयोग करके हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं ये तकनीकें हमें मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाने में मदद करती हैं और हमें एक स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में सहायक होती हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर सेवन द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सातवें अध्याय द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड में अवचेतन मन की जीवन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई है मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से हमें जीवन की दिशा में स्वास्थ्य खुशी और समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करता है अवचेतन मन की प्रवृत्ति मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन सकारात्मक और जीवनदायक विचारों और क्रियाओं की ओर स्वाभाविक रूप से झुका हुआ होता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रेरित करें और इसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रखें सकारात्मक विचारों की शक्ति मर्फी इस अध्याय में सकारात्मक विचारों की शक्ति पर जोर देते हैं वे बताते हैं कि जब हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह हमारी पूरी जीवन शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाता है स्वास्थ्य और खुशहाली सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शरीर और मन को स्वस्थ बनाती हैं वे तनाव और चिंता को कम करती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं सफलता और समृद्धि सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं वे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में कैसे प्रेरित करें मर्फी कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं सकारात्मक अभिपुष्टि पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या करें प्रतिदिन सकारात्मक वक्तव्यों को दोहराएं जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं मुझे सफलता मिल रही है कैसे करें सुबह और रात को सोने से पहले इन वक्तव्यों को दोहराएं ध्यान और प्रार्थना मेडिटेशन एंड प्रेयर क्या करें नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें प्रार्थना में अपने स्वास्थ्य सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें कैसे करें प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान और प्रार्थना करें शांत स्थान पर बैठकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन क्या करें अपनी इच्छित स्थिति की सजीव कल्पना करें अपने आप को स्वस्थ खुशहाल और सफल देखें कैसे करें रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छित स्थिति की सजीव कल्पना करें नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें मर्फी बताते हैं कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से हमारे अवचेतन मन को मुक्त रखना बहुत महत्वपूर्ण है नकारात्मक विचारों को पहचाने सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचाने उन्हें नजरअंदाज न करें सकारात्मक विकल्प चुनें। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें सकारात्मक विकल्प से बदलें जैसे अगर आपको लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता तो उसे बदलें मैं यह कर सकता हूं और करूंगा सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक संगीत सुने निष्कर्ष द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की जीवनदायक प्रवृत्ति और सकारात्मक विचारों की शक्ति पर जोर दिया है वे बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रेरित करके अपने जीवन को स्वस्थ खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं इसके लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखना होगा और नकारात्मकता से दूर रहना होगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर एट हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के आठवें अध्याय हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट में बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मर्फी ने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों और रणनीतियों का वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में इच्छित परिणाम हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें मर्फी कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट करना चाहिए जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए तो हमारा अवचेतन मन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देता है लक्ष्यों को लिखें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लिखें इसे लिखने से वे हमारे मन में और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं विशिष्ट बनें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ के बजाय मैं अगले पांच वर्षों में दस लाख रुपये कमाना चाहता हूँ सकारात्मक भाषा अपने लक्ष्यों को सकारात्मक भाषा में लिखें जैसे मुझे यह काम नहीं करना चाहिए के बजाय मुझे यह काम करना चाहिए विश्वास और आत्मविश्वास मर्फी बताते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है जब हम अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की ओर ले जाता है स्वयं पर विश्वास करें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें अपने आप से कहें मैं यह कर सकता हूं आत्मविश्वास बढ़ाएं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक वक्तव्य और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच हमारी सफलता की कुंजी है मर्फी कहते हैं कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है नकारात्मक विचारों को पहचानें अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें सकारात्मक माहौल बनाए अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें विजुअलाइजेशन तकनीक विजुअलाइजेशन तकनीक हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली तरीका है मर्फी बताते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की सजीव कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है सजीव कल्पना करें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की सजीव कल्पना करें जैसे अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर की सजीव कल्पना करें उसका रंग आकार स्थान आदि हर दिन कल्पना करें रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की सजीव कल्पना करें इससे आपका अवचेतन मन उन लक्ष्यों की ओर काम करना शुरू कर देगा धन्यवाद और कृतज्ञता धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें और अधिक आशीर्वाद और समृद्धि की ओर ले जाता है धन्यवाद का अभ्यास प्रतिदिन धन्यवाद का अभ्यास करें अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें कृतज्ञता की डायरी एक कृतज्ञता की डायरी रखें और प्रतिदिन उसमें उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं निष्कर्ष अध्याय हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाना सकारात्मक सोच विजुअलाइजेशन तकनीक और धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे जीवन में इच्छित परिणाम हासिल करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर नाइन हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के नौवें अध्याय हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ में यह बताया गया है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं मर्फी ने यहाँ कई तकनीकों और रणनीतियों का वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं धन के प्रति मानसिक दृष्टिकोण मर्फी कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन में धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम धन को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपने मन में धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। धन को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखें जो आपकी और दूसरों की भलाई के लिए है नकारात्मक विचारों को पहचाने अपने मन में धन के प्रति नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें धन की इच्छा और विश्वास धन को आकर्षित करने के लिए हमें उसकी इच्छा और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है मर्फी कहते हैं कि हमें अपने मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि हम धन और समृद्धि के योग्य हैं धन की स्पष्ट इच्छा अपने मन में धन की स्पष्ट इच्छा रखें जाने कि आपको कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए विश्वास और आत्मविश्वास विश्वास रखें कि आप धन को आकर्षित कर सकते हैं अपने आप से कहें मैं धन और समृद्धि का हकदार हूं सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव एफर्मेश हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली तरीका है मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन बातों को साकार करने के लिए काम करता है सकारात्मक वक्तव्य अपने लिए सकारात्मक वक्तव्य बनाए और उन्हें प्रतिदिन दोहराएं। जैसे मैं समृद्ध और खुशहाल हूं वक्तव्यों का दोहराव अपने वक्तव्यों को प्रतिदिन कई बार दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन उन वक्तव्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा विजुअलाइजेशन तकनीक विजुअलाइजेशन तकनीक हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक प्रभावी तरीका है मर्फी बताते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की सजीव कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है सजीव कल्पना करें अपनी धन संबंधी इच्छाओं की सजीव कल्पना करें जैसे अगर आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी सजीव कल्पना करें उसका रंग आकार स्थान आदि रोजाना कल्पना करें रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की सजीव कल्पना करें इससे आपका अवचेतन मन उन लक्ष्यों की ओर काम करना शुरू कर देगा धन्यवाद और कृतज्ञता धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें और अधिक आशीर्वाद और समृद्धि की ओर ले जाता है धन्यवाद का अभ्यास प्रतिदिन धन्यवाद का अभ्यास करें अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें कृतज्ञता की डायरी एक कृतज्ञता की डायरी रखें और प्रतिदिन उसमें उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं निष्कर्ष अध्याय हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके धन और समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना धन की इच्छा और विश्वास रखना सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना विजुअलाइजेशन तकनीक का अभ्यास करना और धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे जीवन में वित्तीय सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर टेन योर राइट टू बी रिच परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दसवें अध्याय योर राइट टू बी रिच में यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध और धनवान बनने का अधिकार है मर्फी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि धनवान बनने की इच्छा न केवल स्वाभाविक है बल्कि यह हमारे जीवन के विकास और खुशहाली के लिए भी आवश्यक है समृद्धि और नैतिकता मर्फी बताते हैं कि समृद्धि और नैतिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है कई लोग सोचते हैं कि धनवान बनने की इच्छा अनैतिक है लेकिन मर्फी इसे गलत सिद्ध करते हैं वे कहते हैं कि जब हम समृद्ध होते हैं तो हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए अधिक कर सकते हैं धन और नैतिकता धनवान बनने की इच्छा रखना बिल्कुल नैतिक है धन का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है स्वाभाविक अधिकार धनवान बनने का अधिकार हर व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार है हमें इसे अपनी नैतिकता और आस्था से जोड़कर देखना चाहिए समृद्धि की मानसिकता मर्फी कहते हैं कि समृद्धि पहले हमारे मन में शुरू होती है हमें अपने अवचेतन मन में समृद्धि की मानसिकता विकसित करनी चाहिए जब हम अपने मन में समृद्धि की भावना रखते हैं तो यह हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाती है समृद्धि की मानसिकता अपने मन में समृद्धि की मानसिकता विकसित करें विश्वास करें कि आप समृद्ध और धनवान बनने के योग्य हैं अवचेतन मन का उपयोग अपने अवचेतन मन का उपयोग करें सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने दें समृद्धि की पुष्टि सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को समृद्धि की ओर निर्देशित करने का एक शक्तिशाली तरीका है मर्फी सुझाव देते हैं कि हम अपने आप से सकारात्मक बातें करें जो हमारी समृद्धि को साकार करने में मदद करें सकारात्मक पुष्टि अपने लिए सकारात्मक पुष्टि बनाएं और उन्हें प्रतिदिन दोहराएं। जैसे मैं समृद्धि का हकदार हूं दोहराव का महत्व अपने वक्तव्यों को प्रतिदिन कई बार दोहराएं इससे आपका अवचेतन मन उन वक्तव्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा विश्वास और कार्यवाही मर्फी बताते हैं कि केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है हमें अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए कार्यवाही भी करनी होगी विश्वास और कार्यवाही का समन्वय हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है विश्वास अपने मन में यह विश्वास रखें कि आप धनवान बनने के योग्य हैं यह विश्वास आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा कार्यवाही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही करें अपनी योजनाओं को लागू करें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें समृद्धि का आशीर्वाद मर्फी कहते हैं कि समृद्धि हमारे जीवन का एक आशीर्वाद है जब हम समृद्ध होते हैं तो हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए अधिक कर सकते हैं समृद्धि हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देती है समृद्धि का आशीर्वाद समृद्धि को अपने जीवन का आशीर्वाद माने इसे अपने और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास समृद्धि हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देती है ये हमें अपने सपनों और इच्छाओं को साकार करने की शक्ति देती है निष्कर्ष अध्याय योर राइट टू बी रिच में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि समृद्ध और धनवान बनने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार है समृद्धि की मानसिकता विकसित करना सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना विश्वास और कार्यवाही का समन्वय करना और समृद्धि को अपने जीवन का आशीर्वाद मानना हमारे जीवन में वित्तीय सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर इलेवन योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ग्यारहवें अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन का कैसे उपयोग कर सफलता प्राप्त की जा सकती है मर्फी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं तो यह हमारी सफलता की राह में सहायक होता है अवचेतन मन की शक्ति अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है जो हमारे विचारों और भावनाओं को वास्तविकता में बदल सकती है सकारात्मक दिशा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें ताकि यह आपकी सफलता की राह में सहायक हो सके सफलता के लिए अवचेतन मन का उपयोग मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर निर्देशित करना चाहिए इसके लिए हमें अपने मन में सफलता की छवि बनानी चाहिए और उसे अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने देना चाहिए सफलता की छवि अपने मन में सफलता की स्पष्ट छवि बनाएं यह छवि आपके अवचेतन मन को निर्देशित करेगी अवचेतन मन में प्रवेश सफलता की छवि को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने दें इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और पुष्टि एफर्मेशन का अभ्यास करें सकारात्मक पुष्टि और ध्यान सकारात्मक पुष्टि और ध्यान हमारे अवचेतन मन को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है मर्फी सुझाव देते हैं कि हम नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि करें और ध्यान करें सकारात्मक पुष्टि अपनी सफलता के बारे में सकारात्मक पुष्टि करें जैसे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं ध्यान नियमित रूप से ध्यान करें ध्यान करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आपके अवचेतन मन को निर्देशित करने में मदद मिलेगी अवचेतन मन के साथ साझेदारी मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन के साथ साझेदारी करनी चाहिए इसका मतलब है कि हमें अपने अवचेतन मन को समझना और इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए साझेदारी अपने अवचेतन मन के साथ साझेदारी करें इसे समझें और इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करें समझना अवचेतन मन को समझने का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें अवचेतन मन और आत्मविश्वास मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने अवचेतन मन के साथ साझेदारी करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है यह आत्मविश्वास हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है आत्मविश्वास अपने अवचेतन मन के साथ साझेदारी करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है लक्ष्यों की प्राप्ति आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं निष्कर्ष अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन का कैसे उपयोग कर सफलता प्राप्त की जा सकती है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना सकारात्मक पुष्टि और ध्यान का अभ्यास करना और अपने अवचेतन मन के साथ साझेदारी करना सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर ट्वेल्व साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारहवें अध्याय साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड में यह बताया गया है कि वैज्ञानिक और विद्वान अपने अवचेतन मन का कैसे उपयोग करते हैं इस अध्याय में मर्फी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे अवचेतन मन में निहित शक्ति का उपयोग कर हम अद्भुत वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें कर सकते हैं वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की कहानियां मर्फी कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन का उपयोग कर महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार किए इनमें निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे नाम शामिल हैं निकोला टेस्ला टेस्ला ने अपने अवचेतन मन का उपयोग कर कई आविष्कार किए वह रात में अपने आविष्कारों के बारे में सोचते थे और उनके समाधान अपने अवचेतन मन में पाते थे थॉमस एडिसन एडिसन ने अपने अवचेतन मन का उपयोग कर हज़ारों पेटेंट प्राप्त किए वह अपने अवचेतन मन को दिशा देते थे और नई खोजों के लिए उसका उपयोग करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन आइंस्टीन ने अपने अवचेतन मन का उपयोग कर सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की वह अपने अवचेतन मन को नई सोच और विचारों के लिए प्रेरित करते थे अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन में अद्भुत शक्ति होती है जो हमें नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करती है ये शक्ति हमें समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है और हमें नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करती है समाधान खोजने की शक्ति अवचेतन मन हमें समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है यह हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए प्रेरित करता है नई दिशाओं में सोचने की शक्ति अवचेतन मन हमें नई दिशाओं में सोचने और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है वैज्ञानिक सोच और अवचेतन मन मर्फी बताते हैं कि वैज्ञानिक सोच और अवचेतन मन का गहरा संबंध है जब हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं तो हम नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित होते हैं यह सोच हमें नई दिशाओं में सोचने और नई खोजों, के लिए, वैज्यानिक सोच। वैज्यानिक सोच और खोजों और के लिए प्रेरित करती है वैज्ञानिक सोच वैज्ञानिक सोच और अवचेतन मन का गहरा संबंध है यह हमें नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करती है नई खोजें और आविष्कार अवचेतन मन का उपयोग हमें नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करता है अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करना चाहिए इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को निर्देशित करना चाहिए और उसे नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए निर्देशन अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें उसे नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करें प्रेरणा अपने अवचेतन मन को नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करें उसे समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करें निष्कर्ष अध्याय साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि वैज्ञानिक और आविष्कारक अपने अवचेतन मन का उपयोग कर महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार करते हैं अवचेतन मन की शक्ति हमें नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करती है और हमें समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाई जोसेफ मर्फी चैप्टर थर्टीन योर सबकॉन्शियस एंड द वर्स ऑफ स्लीप परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के तेरहवें अध्याय योर सबकॉन्शियस एंड द Wonders ऑफ स्लीप में यह बताया गया है कि नींद और हमारे अवचेतन मन का गहरा संबंध है इस अध्याय में मर्फी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और हम नींद का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कैसे कर सकते हैं नींद और अवचेतन मन का संबंध मर्फी बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन हमारी समस्याओं का समाधान खोज सकता है और हमें नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है अवचेतन मन की सक्रियता नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समस्याओं का समाधान नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन हमारी समस्याओं का समाधान खोज सकता है नींद का उपयोग कैसे करें मर्फी बताते हैं कि हमें नींद का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कैसे करना चाहिए इसके लिए हमें सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और उसे दिशा निर्देश देना चाहिए सकारात्मक विचार सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा दिशा निर्देश सोने से पहले अपने अवचेतन मन को दिशा निर्देश दें उसे बताएं कि वह आपकी समस्याओं का समाधान खोजे नींद और स्वास्थ्य मर्फी बताते हैं कि नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को ठीक करता है और हमें स्वस्थ बनाता है अच्छी नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य।, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है शारीरिक स्वास्थ्य नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है यह हमारे शरीर को ठीक करती है और हमें स्वस्थ बनाती है मानसिक स्वास्थ्य नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है यह हमें मानसिक रूप से ताजगी देती है और हमारे मस्तिष्क को आराम देती है सपनों का महत्व मर्फी बताते हैं कि सपनों का भी हमारे अवचेतन मन से गहरा संबंध है सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं और वे हमें, महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। हमें अपने सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए अवचेतन मन की अभिव्यक्ति सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं वे हमें महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं सपनों से सीखें हमें अपने सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए नींद के दौरान अवचेतन मन का उपयोग मर्फी बताते हैं कि हमें नींद के दौरान अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करना चाहिए इसके लिए हमें सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश देना चाहिए और उसे समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए निर्देश दें सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें उसे समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें प्रेरित करें अपने अवचेतन मन को नई दिशाओं में सोचने और नई खोजों के लिए प्रेरित करें निष्कर्ष अध्याय योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि नींद और हमारे अवचेतन मन का गहरा संबंध है नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें नींद का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को निर्देश देना चाहिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर चौटीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चौदहवें अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन का वैवाहिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है इस अध्याय में मर्फी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके वैवाहिक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं वैवाहिक समस्याओं का मूल कारण मर्फी बताते हैं कि अधिकांश वैवाहिक समस्याओं का मूल कारण हमारे अवचेतन मन में छिपे हुए नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं जब हम अपने साथी के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो यह हमारे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, है। नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में छिपे हुए नकारात्मक विचार वैवाहिक समस्याओं का मुख्य कारण होते हैं भावनाएं नकारात्मक भावनाएं हमारे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मक विचारों और भावनाओं में बदलना चाहिए इसके लिए हमें सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहिए पुष्टी, सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने में मदद करता है नकारात्मक विचारों को बदलें अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मक विचारों और भावनाओं में बदलें रिश्ते में सुधार के उपाय मर्फी बताते हैं कि हमें अपने रिश्ते में सुधार के लिए अपने साथी के प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखना चाहिए हमें अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए इससे हमारे रिश्ते में सुधार होगा और हमारी वैवाहिक समस्याएं कम होंगी प्यार और सम्मान अपने साथी के प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखें भावनाओं का सम्मान अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी आवश्यकताओं को समझें अवचेतन मन की सकारात्मकता मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और उसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहिए इसके लिए हमें रोजाना अपने अवचेतन मन को सकारात्मक पुष्टि देना चाहिए और अपने रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें सकारात्मक दिशा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें प्रार्थना और ध्यान मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना और ध्यान भी हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं प्रार्थना और ध्यान से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं प्रार्थना प्रार्थना करें इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके रिश्ते में सकारात्मकता बनी रहेगी ध्यान ध्यान करें इससे आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा मिलेगी निष्कर्ष अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन का वैवाहिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मक विचारों और भावनाओं में बदलना चाहिए इससे हमारे रिश्ते में सुधार होगा और हमारी वैवाहिक समस्याएं कम होंगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर पंपीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पंद्रहवें अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन का हमारी खुशी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इस अध्याय में मर्फी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी खुशी और संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं खुशी का स्रोत मर्फी बताते हैं कि खुशी का असली स्रोत हमारे अपने मन में होता है बाहरी परिस्थितियां और घटनाएं केवल अस्थाई रूप से हमें खुशी दे सकती हैं असली और स्थायी खुशी हमारे अवचेतन मन से आती है जब हम इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं असली स्रोत खुशी का असली स्रोत हमारे अपने मन में होता है बाहरी परिस्थितियाँ बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थाई खुशी देती हैं अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी खुशी को प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरना चाहिए हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मकता देखनी चाहिए सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरें सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें पुष्टि और विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन्स और विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं इससे हमारे मन में सकारात्मक विचारों का निर्माण होता है और हम खुश रह सकते हैं सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें आभार का महत्व मर्फी बताते हैं कि आभार ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे मन को सकारात्मकता से भर देता है जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो यह हमारे मन को खुश और संतुष्ट रखता है आभार का भाव अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें संतोष आभार का भाव आपके मन को संतोष और खुशी से भर देता है खुशी का अभ्यास मर्फी बताते हैं कि खुशी एक अभ्यास है हमें रोजाना अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरने का अभ्यास करना चाहिए इससे हमारे मन में स्थायी खुशी का निर्माण होता है अभ्यास खुशी का अभ्यास करें रोजाना अभ्यास अपने अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक विचारों से भरें निष्कर्ष अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन का हमारी खुशी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में स्थायी खुशी और संतोष प्राप्त करना चाहिए इसके लिए हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास करना चाहिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर सिक्सटीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सोलहवें अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन्स में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन का हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इस अध्याय में मर्फी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं संबंधों का महत्व मर्फी बताते हैं कि हमारे जीवन में संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। सकारात्मक संबंध हमें खुशी संतोष और स्थिरता प्रदान करते हैं महत्व संबंधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है स्वास्थ्य स्वस्थ संबंध हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं अवचेतन मन और संबंध मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन का हमारे संबंधों की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है अगर हमारे अवचेतन मन में नकारात्मकता संदेह और अविश्वास भरे होते हैं तो यह हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है इसके विपरीत अगर हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता विश्वास और प्रेम भरे होते हैं तो यह हमारे संबंधों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है प्रभाव अवचेतन मन का संबंधों की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है सकारात्मकता अवचेतन मन में सकारात्मकता संबंधों को मजबूत बनाती है सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संबंधों की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं इससे हमारे मन में स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की छवि बनती है और हम बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें क्षमा और प्रेम का महत्व मर्फी बताते हैं कि क्षमा और प्रेम हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर देते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो यह हमारे संबंधों को स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण बनाता है क्षमा दूसरों को क्षमा करें प्रेम दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखें संचार का महत्व मर्फी बताते हैं कि प्रभावी संचार हमारे संबंधों को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना चाहिए इससे गलत फहमियों और संघर्षों को कम करने में मदद मिलती है प्रभावी संचार प्रभावी संचार संबंधों को मजबूत बनाता है स्पष्टता अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें सामंजस्यपूर्ण संबंधों का अभ्यास मर्फी बताते हैं कि स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें रोजाना अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरने का अभ्यास करना चाहिए इससे हमारे मन में स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की छवि बनती है और हम बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं अभ्यास स्वस्थ संबंधों का अभ्यास करें रोजाना अभ्यास अपने अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक विचारों से भरें निष्कर्ष अध्याय योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन्स में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन का हमारे संबंधों की गुणवत्ता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए इसके लिए हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन क्षमा प्रेम और प्रभावी संचार का अभ्यास करना चाहिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फगीवनेस परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सत्रहवें अध्याय हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फगीवनेस में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं मर्फी बताते हैं कि क्षमा न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार करती है क्षमा का महत्व मर्फी बताते हैं कि क्षमा एक महत्वपूर्ण आत्मीय प्रक्रिया है जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है नफरत गुस्सा और कड़वाहट हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्षमा इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है आंतरिक शांति क्षमा से आंतरिक शांति प्राप्त होती है स्वास्थ्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद मिलती है अवचेतन मन और क्षमा मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन का क्षमा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरने की आवश्यकता है ताकि हम क्षमा करने में सक्षम हो सकें अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदल सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अवचेतन मन का क्षमा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सकारात्मकता अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को क्षमा की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप निम्नलिखित पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं मैं सभी को क्षमा करता हूं और मैं आंतरिक शांति प्राप्त करता हूं। इस तरह की पुष्टि से हमारे मन में क्षमा की भावना जागृत होती है सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें प्रार्थना और ध्यान मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना और ध्यान हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने के लिए प्रभावी उपकरण है प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन में क्षमा की भावना को मजबूत कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और संतुलित कर सकते हैं जिससे क्षमा करना आसान हो जाता है प्रार्थना प्रार्थना के माध्यम से क्षमा की भावना को मजबूत करें ध्यान ध्यान के माध्यम से मन को शांत और संतुलित करें खुद को क्षमा करना मर्फी बताते हैं कि क्षमा की प्रक्रिया में खुद को क्षमा करना भी महत्वपूर्ण है हम सभी गलतियां करते हैं और खुद को क्षमा करना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है हमें अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को क्षमा करते हैं खुद को क्षमा करना खुद को क्षमा करना महत्वपूर्ण है स्वीकार करना अपनी गलतियों को स्वीकार करें निष्कर्ष अध्याय हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फगीवनेस में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन प्रार्थना और ध्यान का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने की आवश्यकता है क्षमा न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी सुधारती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर अट्ठीन हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अठारहवें अध्याय हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स में यह बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम मानसिक अवरोधों को कैसे दूर कर सकते हैं मर्फी इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं मानसिक अवरोध क्या है मर्फी बताते हैं कि मानसिक अवरोध वे नकारात्मक विचार और विश्वास होते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकते हैं ये अवरोध आत्मसंदेह डर चिंता और नकारात्मक सोच के रूप में प्रकट हो सकते हैं ये अवरोध हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं आत्मसंदेह आत्मसंदेह एक प्रमुख मानसिक अवरोध है डर और चिंता डर और चिंता भी मानसिक अवरोध होते हैं अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम इन मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों और विश्वासों को प्रभावित करता है हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरने की आवश्यकता है ताकि हम मानसिक अवरोधों को दूर कर सकें सकारात्मक विचार अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें सकारात्मक विश्वास अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से भरें सकारात्मक पुष्टि मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप निम्नलिखित पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं मैं सक्षम और योग्य हूँ मैं अपनी सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हूं इस तरह की पुष्टि से हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें आत्मविश्वास आत्मविश्वास बढ़ाएं विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने लक्ष्य और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हमने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है इससे हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखें प्रार्थना और ध्यान मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना और ध्यान हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने के लिए प्रभावी उपकरण हैं प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर सकते हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और संतुलित कर सकते हैं जिससे मानसिक अवरोधों को दूर करना आसान हो जाता है प्रार्थना प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरें ध्यान ध्यान के माध्यम से मन को शांत और संतुलित करें स्वस्वीकृति मर्फी बताते हैं कि स्वस्वीकृति मानसिक अवरोधों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमें अपनी खामियों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और खुद को बिना शर्त प्यार करना चाहिए स्वस्वीकृति से हमें आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने में मदद मिलती है स्वस्वीकृति अपनी खामियों और कमजोरियों को स्वीकार करें स्वप्रेम खुद को बिना शर्त प्यार करें निष्कर्ष अध्याय हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन प्रार्थना और ध्यान का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने की आवश्यकता है मानसिक अवरोधों को दूर करने से हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर 19 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के उन्नीसवें अध्याय हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर में यह बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके डर को कैसे दूर कर सकते हैं मर्फी इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन से डर और चिंता को कैसे समाप्त कर सकते हैं डर और उसके प्रकार मर्फी बताते हैं कि डर एक सामान्य और स्वाभाविक भावना है लेकिन जब यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगता है तो इसे दूर करना आवश्यक हो जाता है डर के कई प्रकार हो सकते हैं जैसे कि असफलता का डर सामाजिक स्थिति का डर स्वास्थ्य का डर आदि ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं असफलता का डर असफलता का डर हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है सामाजिक स्थिति का डर सामाजिक स्थिति का डर हमें अपने आप को खुलकर प्रस्तुत करने से रोकता है अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम इन डर को दूर कर सकते हैं अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों और विश्वासों को प्रभावित करता है हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरने की आवश्यकता है ताकि हम डर को दूर कर सकें सकारात्मक विचार अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें सकारात्मक विश्वास अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से भरें सकारात्मक पुष्टि मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप निम्नलिखित पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं मैं अपने सभी डर को दूर करने में सक्षम हूं इस तरह की पुष्टि से हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें आत्मविश्वास आत्मविश्वास बढ़ाएं विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने डर और चिंताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हमने उन्हें पहले ही दूर कर लिया है इससे हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है विजुअलाइजेशन विजुलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें डर का सामना अपने डर को स्पष्ट रूप से देखें और उन्हें दूर करें प्रार्थना और ध्यान मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना और ध्यान हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने के लिए प्रभावी उपकरण हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर सकते हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और संतुलित कर सकते हैं जिससे डर को दूर करना आसान हो जाता है प्रार्थना प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरें ध्यान ध्यान के माध्यम से मन को शांत और संतुलित करें अनुभवों से सीखें मर्फी बताते हैं कि हमें अपने डर का सामना करने और उनसे सीखने की आवश्यकता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं अनुभवों से सीखना हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरने का एक महत्वपूर्ण तरीका है डर का सामना अपने डर का सामना करें और उनसे सीखें सीमाओं को पार करना अपनी सीमाओं को पार करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं निष्कर्ष अध्याय हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम डर को दूर कर सकते हैं हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन प्रार्थना और ध्यान का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने की आवश्यकता है डर को दूर करने से हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी चैप्टर ट्वेंट हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर परिचय जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बीसवें अध्याय हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर में बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हमेशा युवा और ऊर्जावान कैसे रह सकते हैं मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिकता और अवचेतन विचारों का हमारे शरीर और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है युवा रहने का रहस्य मर्फी बताते हैं कि हमारी मानसिकता और विश्वास हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों से भरते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी युवा रह सकते हैं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना या धीमा करना संभव है अगर हम सही मानसिक दृष्टिकोण अपनाते हैं सकारात्मक मानसिकता सकारात्मक विचार और विश्वास रखें ऊर्जा और उत्साह अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें अवचेतन मन की शक्ति मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के हर कोशिका पर प्रभाव डालता है अगर हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाते हैं कि हम युवा और स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करेगा हमें अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक पुष्टि और विचारों से भरते रहना चाहिए स्वास्थ्य और युवा अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और युवा की पुष्टि से भरें शरीर की प्रतिक्रिया हमारा शरीर अवचेतन मन के संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है सकारात्मक पुष्टि मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर सकते हैं उदाहरण के लिए आप निम्नलिखित पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं मैं हमेशा युवा स्वस्थ और ऊर्जावान हूं मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ और जीवंत है इस तरह की पुष्टि से हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है सकारात्मक पुष्टि सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें आत्मविश्वास आत्मविश्वास बढ़ाएं विजुअलाइजेशन मर्फी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं विजुलाइजेशन के माध्यम से हम अपने आप को युवा स्वस्थ और ऊर्जावान देख सकते हैं इससे हमारे अवचेतन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें युवा और स्वस्थ अपने आप को युवा और स्वस्थ देखें सक्रिय जीवन शैली मर्फी बताते हैं कि हमें एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से युवा रह सकें नियमित व्यायाम सही खानपान और मानसिक व्यायाम हमें युवा और ऊर्जावान बनाए रखते हैं सक्रिय जीवन शैली से हमारे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं नियमित व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करें सही खानपान, स्वस्थ खानपान अपनाएं, मानसिक व्यायाम मानसिक व्यायाम करें सामाजिक जुड़ाव मर्फी बताते हैं कि सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक रिश्ते हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के, के लिए महत्वपूर्ण हैं सकारात्मक और सहयोगी रिश्ते हमारे जीवन में खुशी और संतोष लाते हैं जिससे हम मानसिक रूप से युवा और ऊर्जावान रहते हैं सकारात्मक रिश्ते सकारात्मक और सहयोगी रिश्ते बनाए रखें सामाजिक जुड़ाव सामाजिक रूप से सक्रिय रहें ध्यान और विश्राम मर्फी बताते हैं कि ध्यान और विश्राम हमारे अवचेतन मन को शांत और संतुलित रखते हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और संतुलित कर सकते हैं जिससे तनाव और चिंता दूर होती है विश्राम हमें मानसिक और शारीरिक रूप से पुनर्जीवित करता है ध्यान नियमित रूप से ध्यान करें विश्राम पर्याप्त विश्राम लें निष्कर्ष अध्याय हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम हमेशा युवा और ऊर्जावान रह सकते हैं हमें सकारात्मक पुष्टि विजुअलाइजेशन सक्रिय जीवन शैली सामाजिक जुड़ाव ध्यान और विश्राम का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरने की आवश्यकता है इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से युवा और स्वस्थ रह सकते हैं